इस प्रोजेक्ट का नाम है वायरलेस ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। इसमें व्हीकल की चार्जिंग वायरलेस होती है। वायरलेस होने के लिए कॉइल का यूज़ किया है और इसके नीचे एक कॉइल है, ये सर्किट इसको कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने के बाद ये ईएमएफ तैयार करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल, और इसके रेंज में आने के बाद ये चार्जिंग एलईडी पे दिखाता है। इसका आउटपुट देखने के लिए सर्किट ऑन किया तो सबसे पहले वेलकम वायरलेस चार्जिंग स्टेशन। अभी चार्जिंग का टाइम सेट करने के लिए सेट जीरो है और रिमेनिंग टाइम जीरो है। ये सोर्स का वोल्टेज और ये चार्जिंग का वोल्टेज। अभी चार्जिंग का वोल्टेज 8 है और सेट टाइम इंक्रीज करने के लिए बटन प्रेस कर देंगे और बटन अप्लाई करने के बाद चार्जिंग दिखा रहा है। अगर इसको ऊपर तरफ लेते हैं तो ये चार्जिंग दिखाता नहीं, नीचे आने के बाद चार्जिंग शो करता है। ये पावर सप्लाई सेक्शन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये रेक्टिफायर फिल्टर, ये रेगुलेटर सेक्शन, ये माइक्रो कंट्रोलर, ये ऑसिलेटर सर्किट, रीसेट सर्किट, वोल्टेज सेंसर या वोल्टेज डिवाइडर, एलसीडी डिस्प्ले, एक कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के बाद जो इसका आउटपुट निकलता है तो ये ड्राइव करने के लिए एक कॉइल है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और उसी ईएमएफ कॉइल से मिलता है, जो कि रिसीवर कॉइल पे ईएमएफ मिलने के बाद ये वोल्टेज जनरेट करता है जो कि एलईडी पे शो कर देगा। इसका वर्किंग देखने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका इनपुट है 230 वोल्ट, आउटपुट है 12012 और आउटपुट जो एसी होता है ट्रांसफार्मर का डीसी करने के लिए रेक्टिफायर डायोड, प्योर डीसी करने के लिए कैपेसिटर फिल्टर और 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 7805 रेगुलेटर। 5 वोल्ट के बाद लोडिंग इफेक्ट कैंसिल करने के लिए कैपेसिटर फिल्टर और ये 8 MHz 328 माइक्रो कंट्रोलर, 16 MHz का क्रिस्टल ऑसिलेटर, रीसेट सर्किट, प्रोग्रामिंग के लिए एसपीआई कनेक्टर, आईओ कनेक्ट करने के लिए आईओ पिंस या हीडर पिंस, एलसीडी डिस्प्ले 16:2, टाइम इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज बटन, डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज बटन और कंटिन्यू करने के लिए ओके बटन, इनेबल करने के लिए रिले का यूज किया है, जब रिले ऑन होगा तो आउटपुट इनेबल होके व्हीकल का चार्जिंग होगा। व्हीकल के नीचे कॉइल लगाया है और व्हीकल पे एक कॉइल है जो कि इसको सप्लाई मिलने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको इंटरफेस करने के बाद यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। तो इसका आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले हम टाइम इंक्रीज कर देंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड जितना चाहिए उतना इंक्रीज कर देने के बाद अगर टाइम गलत हो गया तो डिक्रीज कर देंगे और बटन अप्लाई करने के बाद ये चार्जिंग दिखा रहा है। अगर इसको ऊपर तरफ लेते हैं तो ये चार्जिंग दिखाता नहीं, नीचे आने के बाद चार्जिंग शो करता है। अभी यहाँ तक चार्जिंग हो रही है, अगर इसको ऊपर उठाते हैं तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी हो रही है और यहाँ पे तो बंद ही है, यानी कि वायरलेस चार्जिंग हो रहा है।
प्रैक्टिकल वीडियो साठी डिजिटल आर्ट हा आपला चैनल आवडला असेल तर लाइक करा, शेयर करा व सब्सक्राइब करा व खालील दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा।